जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि से संबंधित प्रश्न, और हम इन प्रश्नों की जो है वो बारीकी से जो है इन क्वेश्चंस को समझेंगे, बेसिक टू एडवांस। तो ध्यान से जो है आपने ये चीजें जो है वो समझनी है, और ध्यान से जो है इनका जो है वो अपने माइंड में जो है इसको बिठाना भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को अपनी। तो क्लास में जो है आज की प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने से पहले या पढ़ने से पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। लाभ तथा हानि व्यापार और व्यापार में मौद्रिक लेन देन से संबंधित शर्तें हैं। मतलब जब भी हम व्यापार करते हैं या व्यापार में जब हम कोई चीज का या किसी भी चीज का मौद्रिक यानी कि किसी भी करेंसी का लेन देन करते हैं, उनकी शर्तों को हम यूज करते हैं, उससे जुड़ा है लाभ तथा हानि। जब भी कोई खरीदारी हुई या वस्तु बेची जाती है तो या तो लाभ होता है या तो हानि होती है। आपको भी पता है जब भी हम कोई सामान खरीदेंगे बच्चों या हम कोई चीज बेचेंगे तो दो ही किस्से होंगे, क्या होगा, एक लाभ होगा या हानि होगी। चलिए कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या रहे हैं या है। पहला है लागत यानी कि क्रय मूल्य, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ये वे मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कहते हैं, और इसको संक्षिप्त रूप से भी आप बोल सकते हैं यानी कि शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखेंगे हम। इसी प्रकार से विक्रय मूल्य एसपी, वे मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। इसको भी संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उस मूल्य को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बिका हुआ मतलब बेचने वाला मूल्य। तरीके से याद करते हैं, क्रय मतलब उधार है भाई, चुकाना है यानी कि हमने क्रय लिया है, कॉस्ट है या ऐसे कर लीजिए कॉस्ट, कितनी की कॉस्ट है जी, तो बंदे ने खरीदा है उसका ये कॉस्ट प्राइस है। और देखते हैं ओवरहेडेड शुल्क होता है एक्स्ट्रा, ऐसे शुल्क को वास्तविक लागत मूल्य के अलावा खरीदे गए सामान के अतिरिक्त व्यय होता है। मतलब हमने कोई चीज खरीदी, इसको मैंने एक पुराना स्कूटर ही खरीदा मान लीजिए, और उसको मैंने रिपेयर करवाया या उसको पहले भाड़ा भी दिया, मतलब अपने घर लाने के लिए किराया भी दिया, कर्मचारी को रिपेयर करने का वेतन दिया और उसकी मरम्मत करवाने का भी अलग एक्स्ट्रा खर्चा दिया, ये सारे के सारे खर्चे कहाँ पे जमा होंगे, वो उसकी कॉस्ट प्राइस में, लागत मूल्य बोलते हैं उसको, तो लागत मूल्य में ही एड किए जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ध्यान से सुन। नेक्स्ट लाभ, याद रखिएगा लाभ हमें किस केस में होगा, जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। कई बच्चे बोलते हैं क्या मतलब क्या हुआ सर, उनका सुनिए तो सही। हानि क्या होती है, हानि ये होती है जब आप किसी सामान को उसके क्रय मूल्य से यानी कि कॉस्ट प्राइस से कम मूल्य पर बेच दो तो नुकसान होता है उस विक्रेता को यानी कि दुकानदार को, तो वो हम हानि में लेकर। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का 100 रुपए का मूल्य है और उसे आपने 150 रुपए में बेच, अब देखिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब बिल्कुल सही है, आपने प्रॉफिट हुआ क्योंकि एसपी जो है वो बड़ा है सीपी, क्योंकि 150 में से हम 100 माइनस करेंगे तो 50 आंसर आएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही, अगर 50 आएगा तो इसका मतलब क्या आ रहा है, व्यक्ति ने जब उस 150 रुपए में
150 रुपीज में किसी चीज को बेचा जिसकी कीमत 100 रुपया थी, यानी कि 100 रुपया क्या थी कॉस्ट प्राइस जो था वो, उससे हमने सेलिंग प्राइस बढ़ा कर रखा। 100 रुपया अगर उसका प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना हमने 150 रख दिया, 150 रख दिया, तो वो उससे 100 से तो बढ़ा है, तो बढ़ा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है। इसी प्रकार से अगर कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपया है, मगर जब बेचने की बारी आई तो मैंने सिर्फ 60 रुपए में बेच दिया अपने रिश्तेदारों को, अगर मैंने बेचा तो भैया तो मेरे को नुकसान भी हो गया। सीपी माइनस एसपी करके चेक करेंगे आप, क्यों? क्योंकि बड़ी रकम जो है वो आपकी आ गई 100 माइनस 60, वो हो गया 40 का नुकसान, लॉस हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा सीपी है वो तो दोनों टाइम जो है वो सेम रहा, 100 रुपया ही रहा, पर प्रॉफिट के केस में सीपी से बड़ा मूल्य आया, यानी कि ग्रेटर देन मूल्य आया तो हमें प्रॉफिट हुआ, जब सीपी से कम मूल्य आया, ठीक है जी, सॉरी ठीक था ये, पर तो कम मूल्य आया तो हमें लॉस। ये हमें बातें याद रखनी। अगला कहता है लाभ तथा हानि की गणना हमेशा लागत मूल्य पर ही करती है। आपको भी पता है जैसे मैंने बोल दिया दोनों में सीपी क्या है सेम है, उसी से ही पता लगता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु एक निश्चित लाभ पर बेची जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉफिट या मतलब प्रॉफिट पर ही बेचते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया 45% माल लेते हैं उस पर बेचा है, तो आपका क्या होगा 145%, मतलब 100 रुपए की चीज दी थी आपने जो 45 रुपए यानी कि एक्स्ट्रा पर बेच दी, तो वो 145 हो गया एक्स्ट्रा पर बेचने पर। अगर आप उससे कम पर बेचते हो, यानी कि एक निश्चित जो उसका मूल्य है उससे कम माल रख लेते हैं, क्योंकि हानि लेते हैं 25%, तो 75 रह जाएगा। इसका मतलब मेरा बच्चों याद रखना बैलेंस 100% है, बैलेंस 100 है ऊपर और नीचे के लिए, लाभ होगा तो ऊपर यानी कि प्रॉफिट के लिए जाएगा, अगर लॉस जाएगा तो वो उसके कमी के लिए जाएगा, यानी कि मेन जो 100% है वो हमारा कौन है सीपी। सीपी कितने प्रतिशत हुआ 100%, अगर 100 से ऊपर मूल्य पर या 100% के अधिक मूल्य पर हम कोई भी वस्तु को बेचते हैं तो हमें उस कंडीशन में क्या होगा लाभ होगा, अगर 100 से कम मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें हानि। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ये है इसके इम्पोर्टेंट जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के एक माध्यम से बताए थे, जैसे कि 150 माइनस 100 आपको बताया था, सीपी मैंने 100 माना था और एसपी मैंने के केस में 150 लिया, इसलिए हमने बोला 50 आएगा, 50 आएगा बच्चों 50। आपने याद रखना है मेरी बातों को और कुछ नहीं है, यही काम आनी है आपके, आएगा 50, ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर हानि का केस है तो मैंने आपको सीपी तो 100 ही बताया, एसपी मैंने 60 यहां पर भी बताया है, हानि के केस कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 60 हानि कितनी 40। ये तो हो गया इसका सवाल, मगर आपसे अगर लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं प्रॉफिट परसेंट कितने, प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपने क्या लगाना है, प्रॉफिट परसेंट आपने प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी प्रकार से अगर लॉस परसेंट निकालना हो तो आपको कुछ नहीं है, लॉस
ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई फॉर्मूला बनाकर हम डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से हम ये सॉल्व करेंगे। ये कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं ये आपको हमारे मिल जाएंगे। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका साधारण प्रश्न जो है आ चुका है। ध्यान से जो है इस सवाल का आंसर आपने देना है। बताएं कैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो ये देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कर। कहता है एक वस्तु है, कोई एक वस्तु है वो 500 रुपए की है, यानी कि जो 500 रुपए की चीज है तो वो हो गया कॉस्ट प्राइस। बेचा किसको है, बेचने को आपको पता है सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसलिए आपका एसपी आएगा। एसपी कितना आ गया बच्चों, वो आपका 600। कितना आ गया 600। अब बोला है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे कर सकते हैं, दोनों का यानी कि डिफरेंस कितने का आ रहा है 100 रुपए का। और आपको पता है डिफरेंस क्यों निकाला होगा, मैंने ये निकाला कि मैंने 500 की चीज 600 में बेची तो मुझे फायदा हुआ या घाटा हुआ। अब आपको पता लग रहा है 100 रुपए का यानी कि लाभ हुआ है, 100 रुपया मैंने कमाया है। कैसे कमाया है, मैंने 500 से ज्यादा मूल्य पर किसी को बेच दिया है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट आपका आ गया 100, कॉस्ट प्राइस 500 मल्टीप्लाई 100। 100 किसका है, प्रतिशत का आया है। तो जीरो से जीरो गए, 5 एकम 5, 5 दो आपका जो कितना आ गया आंसर 20%। आंसर आ गया 20%। इसी क्वेश्चन को हम छोटा भी कर सकते हैं। कैसे, आपने सीपी आपके पास कितना दिया है 500, एसपी कितना दिया है 600। अब आप क्या करो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो। क्यों मान लो, क्योंकि 100 से ये डिवाइड हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो 0 से 0 गए। मतलब 5 रुपए की चीज जो है वो कितने में बेच रहा बंदा, 6 रुपए में। तो हम इसको तो जल्दी से डिफरेंस निकाल सकते हैं, 1 रुपए का फर्क पड़ गया। और 1 रुपए का फर्क पड़ गया यानी कि मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ, 1 हमारा प्रॉफिट आ गया। नीचे कॉस्ट प्राइस 5 आ गया और गुणा 100, और 100 का आपने कर लिया सीधा बन गया 20%। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मगर होता क्या है, मुझे पूरे रिवीजन बताने हैं। देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कितना ज्यादा आ गया। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको तैयार करना है, ट्राई करना है। ऐसे ही थर्ड ये भी आपने ट्राई करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। मोहन ने 5 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष जो है वो 15% लाभ पर बेच, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मोहन ने जो है 5 लाख का प्लॉट था, आधा आधा बेच, आप समझिए 5 लाख है, क्या किसी का कहीं नहीं जाता भैया पैसा, मैंने ये रख लिया आपका पैसा और आधा आधा कर दिया, यानी कि 2.5 लाख अलग से कर दिया आपका, 2.5 लाख अलग।
2,50,000 हो गया जी, ढाई ढाई लाख रुपए का। अब ये तो हो गया जी आधा आधा प्लॉट। अब बंदे ने के बंदा मतलब मोहन, कौन है ये, मोहन की बात हो रही है। मोहन ने क्या किया, प्रॉफिट लिया एक प्लॉट के ऊपर, यानी कि जो ढाई लाख का पहला प्लॉट है ये पहला, ये दूसरा प्लॉट। तो पहले प्लॉट की बात कर रहा हूं मैं, उसने ढाई लाख के ऊपर 10% प्रॉफिट लिया। 10% यानी कि 10/100, 2 जीरो ये गई, कितने रुपए का वो 25,000 रुपए का, 10% जो है वो 25,000 हुआ। इसी प्रकार से उसने दूसरा प्लॉट सेल किया है, वो कितने पर, 15% पर, यानी कि 25 का 2,50,000 का आपने क्या निकाल लेना, 15% ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपका 2,515 कितने हो गए, 3,37,500 कितना हो गया, 37,500। इतना आपको समझ आया कि नहीं आया ये बताएं आप, क्लियर हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से 37,500 जो है वो इसका टोटल मूल्य जो है वो दूसरे पर उसने प्रॉफिट जो है वो व्यक्ति ने ले लिया है। अब उसने टोटल प्रॉफिट कितना लिया, तो बोला सर टोटल प्रॉफिट लेना है तो ये और ये दोनों आप प्लस कर दो, दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो गया, दोनों को अगर बच्चों हम प्लस कर दें तो कितना हो जाए, तो सर हो जाएगा इसको प्लस कर लेते हैं चलो, तो वो हुआ है 62,500 का उसको लाभ हुआ। अब यानी कि लाभ हुआ है तो अब आपको पता लग गया, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालने को है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट पर लिख लो और कॉस्ट प्राइस नीचे। अब बच्चे बोलेंगे सोचेंगे कि सर आपने तो 2,50,000 रुपए हमारा, नहीं भैया जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो नीचे 5,00,000 ही बनेगा हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमने टोटल पैसा किसके ऊपर कमाया है, 5,00,000 के ऊपर, इसलिए हम जो है 5,00,000 ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 2 जीरो से दो जीरो से ये वाले जीरो भी गए। इसके बाद 5 से कैंसिल कर दीजिए या 25 से कैंसिल कर दीजिए, 25 और 25 आ गया 25/2, 12 सही 1/2 साढ़े बारह प्रतिशत यानी ये रहेगा इसका ऑप्शन, ये भी हो सकती है 12.5, यानी सोचते हैं कि सर ने तो 12.5 लिखा, ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा तरीके का फल रहेगा। आई होप कि आपको जो ये साधारण प्रश्न से है आज की क्लास में, इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइप की तरफ चलता हूं। जब कोई वस्तु दो बार बेच, यानी कि तो हम दो बार बेच रहे, एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक क्वेश्चन चाहे मैं आपके लिए छोड़ूंगा, अगर आप बोलते हैं तो मैं करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। चलो ट्राई करते हैं, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने 25% का लाभ, तो बंदे अगर घोड़े को 25% मतलब बेचता है तो 25% का जो है 20,000 रुपए में है 25% का लाभ होता है, 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने पे, मतलब अगर वो 40% लाभ कमाना ना तो वो उसको कितने में बेचता से जो है
मूल्य जो है वो कितने रुपए में बेचेगा कि 40% का लाभ हो। अब ये सवाल जो है हमारा आ चुका है। तो अब आपको पता है 25% लाभ, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितने प्रतिशत होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% होता है, 100%। तो हम भी उसी वे से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कीमत घोड़े की वो बेचना कितना है? 60 रुपये। उसके ऊपर लाभ कितना लेना है? 125। अब इन्होंने कहा है उसे कितने में बेचा जाए, जब हम बेचेंगे तो उतना ही तो हमें लाभ हानि होगी, क्योंकि तो जब इसको बेचा तो उतने ही पर ही तो हम पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कमा रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको इक्वल टू में लिखा है, ठीक है। तो उसका उसके ऊपर कितना पैसा कमाना है? 40%, यानी कि 140 हो गया। बस अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया? 20,000 गुना 40 बटा, उसके बाद अब कटिंग ही करनी है और कुछ नहीं। 5 2 10, 5 5 25, 5 4 20, 5 5 25, 5 8 40, 5 6 चलाएगा, 5 1 5, 5 6 20, 160 गुना 40। 160 को अगर 40 से गुना कर लीजिए, 16 को आपने 14 से हो गया, तो 22,400 जो है वो मूल्य अगर मिलता है तो वो 40 अब कमाएगा। ये इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन सेकंड नंबर बच्चों की डिमांड पे इसको भी मैं करवा दूंगा आपको। ये क्वेश्चंस का बस दिमाग है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार ने साइकिल को 10% है, 10% वे साइकिल को कितने पे में बेचता ताकि उन, यदि वे 10% हानि का विक्रय मूल्य 1200 है। ये क्वेश्चन बहुत घुमाता है, क्वेश्चन बहुत घुमाता है। 40% साइकिल एट 10% लॉस, फॉर हाउ मच वुड ही हैव सोल्ड द साइकिल दैट ही वुड हैव लॉस्ट 19%। सेलिंग प्राइस एट 10% लॉस इज 12। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक दुकानदार साइकिल 10% हानि पर, जो बात यहां पर स्टार्टिंग में बोली है वही लास्ट में भी बोली, दोनों बातें सेम ही बोली है, बस इससे बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन को बदल कर। आपको क्या करना है? आपको जैसा बोला है वैसा ही करना है। 10% हानि है पर हानि का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1200, तो 1200 पर आ गया। और हानि हुई है तो आपको पता है 100% हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, तो 100 में से कितने लेस हो जाएंगे? 10 लेस हो जाएंगे, क्योंकि 10% की हानि है, तो रह गया 90। अब फिर से मिडल में आ गया, वे साइकिल को कितने रुपए में बेचता? बेचता मुझे क्या पता कितने में बेचता, यानी कि एक्स। अब 1200 की तो साइकिल बेची थी, अब 19% घाटा लेना है। घाटा वैसे कोई लेना नहीं चाहता है अपने आप को, पर अब क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो लेना पड़ेगा, यानी कि 19, यानी कि 81। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 1200 गुना 81 बटा 90। 0 से 0 गया, 9 9 81, 9 9 टू 18, 1 और 9 100 आ रहा है, 100 यानी कि 1000 का मूल्य आ रहा है, 1000।
1,080 रुपये में अगर वो बेचता है वो उसे जो है वो 19% का लॉस होगा। आई होप कि आपको ये वाला टाइप भी क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से जो है आप हमारे साथ बने रहिए अगली क्लास के लिए, अगले नए टाइप्स के लिए। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।